प्लास्टिक का होना ब्रेड के आराम का संकेत को एक्चुअल क्वालिटी के स्ट्रिक्स में। सो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। ये चैनल बेसिकली होने वाला है एनिमल्स, पैरट्स, सब मिक्स के ऊपर होने वाला है, क्योंकि मुझे हर चीज़ पालने का शौक है। सिर्फ ये नहीं कि मैं फिश पाल लूँ या फिर बर्ड्स पाल लूँ या फिर कोई एनिमल्स पाल लूँ, मतलब कुछ भी, मुझे हर चीज़ पालने का शौक है। तो फिर मैं अभी देखूँगा, अभी मेरा प्लान तो चल रहा है पैरट लेने का। जैसे अभी मेरे पास फिलहाल एक कॉकटेल का पैर है, पर वो वाइल्ड है। जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा कि पैरट्स टेम भी होते हैं, फॉरनर्स के वीडियो देखा कि वो लोग बाहर पैरट फ्री फ्लाई करते हैं। अभी मैं तो मुंबई में रहता हूँ, इतना पॉसिबल नहीं, हम लोग के पास प्लेस नहीं होता इतना, हम लोग के घर में भी इवन प्लेस नहीं होता इतना। तो फिर देखेंगे, एक टेम पैरट लाने का ट्राई करेंगे। अभी वो कौन सा होगा वो नहीं पता, बस देखते आगे क्या होता है। हाँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पैरट लाने से पहले, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जानवरों के बारे में, बचपन में मैं पहले जानवर लेके आ जाता था और बाद में उनका सब यूटेंसिल्स, जैसे जो हो गया केज हो गया या फिर कुछ और हो गया, ये सब मैं लेके आता था। तो अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अभी वैसा सब नहीं करना है, इसलिए आज देखेंगे, आज मैं केज लेने जाता हूँ। पहले केज लेऊँगा और फिर इसके बाद सब उसके अंदर सब हम लोग डेकोरेट करेंगे, क्योंकि वो बोर ना हो जाए लाने के बाद, क्योंकि वो टेम पैरेट है। वाइल्ड पैर होता तो कैसे लाके रख देते, छोड़ देते या फिर और कुछ, जैसे मेरे पास है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो हम लोग सब तैयारी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सब लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा केज आ चुका है, मतलब मैंने आपको कहा था कि मैं केज लेने जा रहा हूँ और उसके बाद का आपको कुछ दिखाया नहीं, मतलब मैं शूट कर नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो फिर मैं आपको मेरा केज दिखा देता हूँ, मतलब पैरट्स का। ये है हमारा केज। तो आपको एक सेकंड, हाँ, आपको एटलीस्ट इतने साइज का केज लेना चाहिए। हम जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम मुंबई में रहता हूँ मैं, आप अगर कोई आपके पास बड़ी प्लेस हो, जैसे मुंबई में भी हर किसी के पास इतनी घर नहीं है। मेरा तो घर हार के है, कोई बड़ा नहीं है। सो इतना केज तो बनता है एक पैरट के लिए, एक सिंगल के लिए। कोई कोई लोग तो इसमें ही 10-10 पैरट्स भर देते, वैसा हमने नहीं करना, हमें टेम पैरट्स रखने हैं। सो इतना बड़ा केज बनता है। तो ये केज जैसे मैं बता देता हूँ, ये लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज 2 फीट का है, और यहाँ से आप देखने गए तो यहाँ से 1.5 फीट का है, 1.5 फीट का है। और इसके साथ हमें मिले हैं ये 2 स्टिक्स मिले हैं, तो फ्रेंड्स ये 2 स्टिक्स मिले हैं हमें, जिसपे पैरेट बैठ के आराम कर सकता है। ये कोई अच्छी क्वालिटी के स्टिक्स नहीं है, जैसे देखो ये निकल रहा है इसमें से, बट चलता है इतना। हाँ, इसको मैं थोड़ा सैंड पेपर से रब करके थोड़ा प्लेन कर लूँगा। वैसे भी पैरेट्स इसको कुछ अच्छा नहीं रखने वाले, वो तो कर देंगे इसका काम तमाम थोड़े दिनों बाद। और भी और चीज़ों की बाउल, तो ये हमें 2 बाउल्स मिले हैं इसमें। ये एक वाटर के लिए हो जाएगा, एक फूड के लिए हो जाएगा। एक्चुअल में 3 बाउल्स होने चाहिए, मैं आपको रीज़न बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में, इस वीडियो में फिलहाल जस्ट इसी के लिए। और ये एक नीचे ट्रे मिला है, ये ट्रे भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा बैर बॉटम रखोगे नीचे, तो सब उनका जो पूप होगा या फिर वेस्ट होगा या फिर जो फूड गिराएंगे वो सब नीचे गिरेगा, तो हमें ऐसा लेना है। और रही इसकी बात, तो ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है, सो ये खराब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अगर आप मेटल का लोगे तो उसमें जंग लग जाएगा या फिर कुछ ना कुछ होगा। सो ये प्लास्टिक का होना एक अच्छी बात है, आप इसको डायरेक्ट धो भी सकते हो, आप इसको डायरेक्ट धो के वाइप कर दोगे, ऐसा लगेगा कि नया के नया है, कुछ इसमें ये नहीं होता।
और इसमें दो ही कलर अवेलेबल थे, एक पिंक था एक ब्लू था, सो मैंने ये ज़्यादा प्रिफर किया पिंक कलर से, वरना मेरे को तो व्हाइट या ब्लैक कलर में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता अगर मिलता तो यही है अपना केज। और बाकी अगर देखने का तो मैं इसको आपको पास से भी बता देता हूँ एकदम, जैसे हाँ, तो आपको कैसा लगा केज आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ, और बाकी सब आगे आगे जाए हम देखने तो हम इसी में सब कुछ कर देंगे, जैसे हो गया अपने पैरेट के स्टैंड हो गए, स्टैंड तो यही समझ लो आप, यही इसी को ही स्टैंड समझ लो। और एक सेकंड में इसको लगा लेता हूँ, ये दोनों को, ये पीछे वाला थोड़ा हाई रखेंगे। हाँ, तो ये लग चुका है। और मैं बहुत पास में ही रहता हूँ, जैसे समझ लो एक स्टेशन की दूरी है, इसलिए मैं इसको ऐसा का ऐसा ही लेके आया, उन लोग के पास ऐसा का ऐसा ही रहता है। और अगर आप उनको पूछोगे कि भाई मेरे को इसे दूर लेके जाना है, तो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ओपन हो जाते हैं, और ये सब आपको जॉइंट सेक्शन में मिलेगा। मतलब कितने पार्ट्स होंगे, 1 2 3 और वो 4, चार पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पार्ट में आपको मिलेगा, और ये अलग मिलेगा, ये सब एक साथ लगा होगा, और आपको ये सब लाके फिर ज्वाइंट करना पड़ेगा। और अगर आप दूर रहते हो या फिर आपके कोई पास के पेट शॉप में मिल जाता है, मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि ये आपको कितने तक लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए 1000 रुपीज़ काफ़ी है। हाँ, इससे ज़्यादा आपको इसके लिए पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बोल सकते हैं 1500, या फिर कोई कोई होते हैं जो ज़्यादा ही बोल देते हैं 2000, इतना नहीं देना आपको, 2000 1500 नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस केज के लिए 1000 काफ़ी है। और इसका वेट मैक्सिमम होगा 3 kg, 3 kg के ऊपर इसका वेट नहीं है। ये सबके साथ, ये लकड़ी और फिर ये फूड बाउल्स, ये वाटर बाउल, और ये नीचे का, ये भी निकाल दोगे तो आप 1/2 kg वेट यहाँ पर ही कम हो जाएगा। तो ये सबके साथ इसका 3 kg बनता है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें पेंट भी अच्छे से करा हुआ है। सो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1000 इज एनफ, बस यही सब आपको बताना था। और आगे सब होगा, अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें टॉयज लगाने का ट्राई करेंगे, ज़्यादा करके हम लोग हैंडमेड टॉयज ही ट्राई करेंगे, जो मैं खुद बनाऊंगा, खुद आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाने, क्योंकि टॉयज बहुत कॉस्टली आते हैं, बहुत मतलब बहुत, आप एक एक टॉय लिटरली ले जाओगे तो 400 500 तक लगाता है। अमेजोन पे थोड़े सस्ते हैं, वो भी कुछ कुछ ही सस्ते हैं, एक दो टॉयज आपको मिल जाएंगे छोटे मोटे 200 300 के मिल जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर आपको फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि किस किस तरह के पैरेट्स के लिए ये केज सही है। इनफ नहीं है, छोटा ही है ऐसे देखने गए तो, बट ओके ओके है, जैसे बजीज हो गए, कॉकटेल्स हो गए, या फिर कनोर्स हो गए, या फिर हाँ बस इतने, इससे ज़्यादा इतने केज में इससे ज़्यादा बड़ा कोई पैरेट रखना नहीं चाहिए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें जो इंडियन स्पीशीज़ है, जैसे इंडियन रिंगनेक हो गए, या फिर एलेक्जेंड्रिन पैरेट्स हो गए, उनको, वो सब पैरेट्स हमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो वाइल्ड से गायब होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है पैरेट्स रखने के लिए, अगर आप एक एनिमल लवर हो तो, वो पैरेट्स लवर हो या फिर बर्ड्स लवर हो, अभी मैंने ये केस बेसिकली लिया है पैरेट्स के लिए, सो वो अच्छी बात नहीं है कि हम इसमें इंडियन पैरेट्स रखें, फिर बस आप समझ सकते हो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक कर देना इस वीडियो को।
Thank you so much.